कोई लड़का है उसे कोई लड़की पसंद है, वो चाहता है पहला मैं को दूं, लेकिन हमारे चाचा ने हमसे तो छोड़े चुम्मा छीन लिया। अच्छा सिंधी बड़े मेहमान नवाज होते हैं, इनके घर चले जाएं कभी इंटीरियर जाएंगे ऊपर से लेकर लोगों को भी एनवेलप मिलने क्या क्यों कर रहे हैं फिर? अच्छा यार अभी ईद गुजरी है, अब समझ में आया एनवेलप का। अच्छा अभी कुछ ईद गुजरी है, देखा आप लोगों ने ईद पे ना लड़कों के साथ बुरा होता है, हम लोग तैयारी भी नहीं कर पाते और हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, वरना ईद का तरीका ये है कि आपने ना 3 दफ़ा गले मिलना होता है, 1 2 3। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो 1 दफ़ा मिलते हैं या 1 दफ़ा भी नहीं मिलते, डायरेक्ट हाथ मिला लेते हैं, कोई 3 दफ़ा मिलके। अच्छा मैंने जब तुक्का मारा है किसी पे कि ये 3 दफ़ा मिलेगा, वो हरामी 1 दफ़ा में लॉक कर देता है। जिसको हम सोचें 3 दफ़ा वो आके पहले प्यार कर लेगा। लड़का हो या लड़की, वो ये चाहता है कि जो उसकी लाइफ का पहला किस है ना, वो अपने फेवरेट पर्सन को करे। कोई लड़का है उसे कोई लड़की पसंद है, वो चाहता है पहला मैं उसको दूं। और लड़कियों की भी अरमान होते हैं कि यार ये रणबीर कपूर है पहले मैं करूं, लेकिन हमारे चाचा ने हम जिनिटी तो छोड़े चुम्मा छीन लिया। उनको मुझ पर प्यार आया हुआ था ईद वाले दिन, तो उन्होंने सोच के रखा हुआ था कि ये मिलने आएगा, इससे 1 दफ़ा मिलूंगा, इसको यहाँ प्यार भी कर लूंगा। हालांकि मैं ऐसा हूँ नहीं किसी देख के प्यार आए। ये तो कुछ बेहतर फॉर्म है, आप 4 साल पहले देखते थे। तो मैं माइंड पे सोचा था पढ़ा लिखा आदमी है, 50+ है, 3 दफ़ा मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, इंसान के बच्चों की तरह ही तरीका होता है। वो आए, वो पहला मिले, अरे बेटा क्या हाल है, पहला मिले, दूसरा मिलने के लिए मैं क्रॉस हो रहा था, होट यूं आए। छोटा सा हुआ वो आजकल गाना आया ना कि वो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उसमें कीर्ति और शाहिद का किस होता है शेर के बीच में, थोड़ा सा बातें करते करते। आप लोग कहाँ रहते हैं कुछ पता है किसी को? पाकिस्तान, बेसिक सवाल है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 14 अगस्त 1948 को। 47 नहीं पता है, चेक करा था जाग रही थी। इतना बेवकूफ़ कौन होगा। अच्छा पाकिस्तान में ना 3-4 कौमें हैं, जैसे पंजाबी है, सिंधी है, पठान है। अच्छा पंजाबियों का इशू ये है, अब खाना बहुत खाते हैं, तो खाने के बहुत क्रेज़ है खाने का। मेरा एक है कज़न लाहौर में, उसका नाम है बब्बी, आप देखें नाम ही बन कबाब जैसा है। तो मैं गया लाहौर ना, तो हमारे यहाँ तो खाना खाने गए, हमारे यहाँ होता ना बोला 1 कढ़ाई 2 नान चपाती बताते हैं, वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। वेटर आया, उसने कहा 1 कढ़ाई, चला गया। मैंने कहा रोटियाँ तो बोल दे, कह रहा वो देख लेगा अपने हिसाब से जो होगा वो ले आएगा। वो ले आया 8 रोटियाँ, मैंने कहा खाया कौन, हम कराची वाले एक में फुल। कह रहा बच जाएगी दे दें किसी गरीब को, इंसान का क्या है, भूखा इंसान। मैंने 1 खाई, वो हरामी 7 खा गया। उसके बाद कह रहा है लस्सी हो जाए पेड़े वाली। मैंने कहा मुंह से तो मुश्किल है, कहीं और से ट्राई कर। कुछ देर बाद कह रहा है गवाल मंडी चले। मैंने कहा कुछ देखने की जगह है? कह रहा है सिरी पर पाए मिल होंगे, खा रहे होंगे लोग। मैंने कहा तो क्या लोग खाते हुए देखेंगे? कह रहा हम भी खा लेंगे। मैंने कहा बस कर दे भाई। अच्छा सिंधी बड़े मेहमान नवाज होते हैं, कोई है सिंधी है? हाँ यार। ये लोग ना इतने मेहमान नवाज होते हैं, आप इनके घर चले जाएं कभी इंटीरियर जाएंगे ऊपर से लेकर लिटरली भिज जाएंगे। आप उतरे वहाँ पे, आपका पर्स लेके रख लिया, आप पैसे खर्च नहीं करेंगे, मतलब ये मेंटेलिटी है। हमारी दादोड़ी जो आया उसकी मार दी। तो ना आप किसी को अजरक गिफ्ट कर रहे हैं, टोपियाँ दावत हैं, तो हम गए तो मुझे दे दिया उन्होंने शलवार कमीज। बेटा ये आयो अजरक शलवार कमीज, हमें पता ही नहीं था सिंधियों की शलवारें कितनी बड़ी होती हैं। 3 एकड़ पे एक शलवार, उसमें नाड़ा डालने गए कमरबंद, वो अगला स्टॉप ही नहीं आ रहा। कोई 12 बजे डालने बैठे हैं, 3:30 बज गए, नमाज निकल गई, बच्चे को पकड़वा दिया किस्सा, दूसरी देख रहे हैं कितना। तो किसी ने मशवरा दिया, कह रहा है भाई सिंधियों में ऐसे नहीं डलते।
कोई रॉड वॉड लेकर आ लोहा वो डाल सलवार में और पीछे छोटी सी मोटर लगा दे, मशीन बना, इंसान के बस की बात ही नहीं है। अच्छा फायदे बहुत हैं सलवार के। आप किसी के पास ऑल्टो है, आपने पार्क की सलवार उतारी, कवर चढ़ा दिया। अच्छा यार पठान है कोई? पठान बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन मुझे एक मसला है इनसे, पठान के जो मजाक होते हैं ना वो फिजिकल हुए बगैर नहीं कर सकते। वॉयलेंस का एक एलिमेंट इनके मजाक में, मतलब कोई आदमी सो रहा है तो ऊपर गमला फेंक दिया, कोई बंदा सो रहा है उसकी चारपाई उलट दी नाले में। अभी एक वीडियो आई है, इनके गेम बता रहा हूँ पठानों के कैसे होते हैं। एक गेम आई है, सारे पठान कमरे में बंद हैं, सबकी आंखों में पट्टियाँ और सबके हाथ में हंटर, और सब चला रहे हैं, जिसकी पड़ी है वो भी हंस रहा है, जो मार रहा है वो भी हंस रहा है। अभी हमारे थे रोड पे दो पठान गुत्तम गुत्ता हुए, हम उधर लोगों ने हटाया, दोनों हंस रहे थे। मेरा एक दोस्त है पठान, मुझसे कह रहा है बात एक गेम खेलते हैं, मैं तुझे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तेरी आंख से आंसू आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं खेलना। अच्छा आप लोग इतना पठानों पे ऐसे नहीं, मेहनती कौम भी यही है, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग। मतलब आप सुबह ऑफिस जा रहे हो, आपने पहाड़ देखा है, शाम में आओ गायब होगा। पूछे कहाँ गया पहाड़, क्या तो पठान आए थे काट के ट्रक में डाल के ले गए। केक था क्या? थैंक यू।